जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल्स ट्रांजेक्शन के बारे में। जैसे मैंने आपको इस क्लास के पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले उसका हम क्या करते हैं, बाउचर क्रिएट करते हैं। और सेल्स में मात्र दो प्रकार की एंट्री की जाती है। और मैंने अलग अलग बाउचर के भी बारे में बताया है कि सेल्स को दो भागों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया। और मैंने आपको बताया है सेल्स बी टू बी और सेल्स बी टू सी के अंतर्गत। और मैंने बी टू बी के भी बारे में बताया है कि यानी कि बिजनेस टू बिजनेस होता है। और बी टू सी के बारे में मैंने आपको बताया बिजनेस टू कंज्यूमर होता है। लेकिन अब किस ट्रांजेक्शन को वाउचर के अंतर्गत रखेंगे या कैसे हम ट्रांजेक्शन को सॉल्व करेंगे बी टू बी और बी टू सी के अंतर्गत, वही आज की क्लास में बताने वाले। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया सबसे पहले इंट्रा स्टेट इनवर्ट सप्लाई, इसको लोकल सेल के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे ई हटा लीजिएगा, केवल इंट्रा होना चाहिए, INTRA होना चाहिए, इंट्रा स्टेट। और यहाँ पे इनवर्ड नहीं, आउटवर्ड होना चाहिए ना, क्योंकि इनवर्ड तब होता है जब हम किसी गुड्स को या सर्विस को परचेज करते हैं। लेकिन यहाँ पे सेल्स रिलेटेड बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, आउटवर्ड हो जाएगा। इसमें लिखा है इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, नहीं लोकल सेल के बारे में अगर बात किया जाए तो कह रहा है कि जब हम अपने स्टेट के अंदर किसी कस्टमर या डीलर को गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हैं तो यह सप्लाई इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई कहलाती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई इसका मेन हेडिंग होगा, आप लोग बना लीजिएगा इसको। टॉपिक में थोड़ा सा हेडिंग गलत दे दिया गया है। कह रहा है कि जब हम अपने स्टेट के अंदर किसी कस्टमर या डीलर को गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हैं तो यह सप्लाई इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई कहलाती है। और कह रहा है कि ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते समय सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाया, इसके बारे में बताया भी है कि जैसे दो प्रकार की जीएसटी इसमें चार्ज होता है, एक आपका लोकल होता है और एक आपका इंटर स्टेट होता है। लेकिन लोकल की आवश्यकता तब आती है जब अपने स्टेट के ही अंदर किसी गुड्स को हम क्या करें, या तो परचेज करें या सेल करें। जीएसटी का प्रोसेस सेम है और इसमें ऑटो जीएसटी का प्रयोग हम लोग करेंगे, मतलब इसमें जीएसटी लिखना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक अगर आप ट्रांजेक्शन सॉल्व करेंगे तो वो जिसका जीएसटी वो बनेगा ऑटोमेटिक, यहाँ पे डिफाइन करके आपको बता दे। तो इसमें लिखा है इसमें दो पर इसमें जो है कह रहा है कि जीएसटी को दो भागों में, कह रहा है कि सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स लागू होता है। और ये कब लागू होता है, तो जब अपने स्टेट के अंदर किसी गुड्स को सेल करते उस केस में सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स लागू होता है। जैसे ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है, देखिए कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 सोल्ड गुड्स फॉलोइंग गुड्स टू एसएस कंप्यूटर गोरखपुर बाई इनवॉइस नंबर B2B00, यानी कि कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को कुछ गुड्स बेचा गया किससे, एसएस कंप्यूटर से। यानी कि 2 अप्रैल 2021 को कुछ गुड्स बेचा गया एसएस कंप्यूटर को जो रहने वाला है कहाँ का, गोरखपुर। पानी है क्या, पानी है, जो रहने वाला है गोरखपुर का। और इसमें लिखा है कि जिसका इनवॉइस नंबर B2B001 दिया हुआ, देखिए ट्रांजेक्शन में स्पष्ट लिख दिया B2B001, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस की बात हो रही है। और जब गोरखपुर का है तो लोकल है कि इंटर स्टेट है, लोकल है, इसलिए इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए अब देखिए कौन कौन सा आइटम खरीदा जा रहा है, तो यहाँ पे पूरे आइटम का नाम भी लिखा हुआ है। करा कि BG18 स्टैंडर्ड एडिशन 2 पीस और 10,500 रुपए से खरीदा जा रहा है, जिसमें 18% जीएसटी लागू हो रहा है। और फिर कह रहा है कि हवाई P30 Pro 1 पीस खरीदा जा रहा है 12,500 रुपए, जिसपे 18% जीएसटी लग रहा है। और फिर iPhone 11 Pro 2 पीस खरीदा जा रहा है 28,500, 18% जीएसटी लग रहा है। और फिर दिया है लेनोवो K6 Note 3 पीस 1800, 18% इस पे जीएसटी लग रहा है। और फिर MI सुपर बेस वायरलेस हेडफोन है 3 पीस 1500 रुपया रेट है, 18% जीएसटी। ये सारे आइटम का नाम दिया हुआ है और किस पार्टी से सेल किया जा रहा है, एसएस कंप्यूटर। चलिए इस ट्रांजेक्शन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कंपनी ओपन कर लें,
चलिए इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे बाउचर पे आ जाएंगे और यहाँ पे क्या दबाना है, F8 बटन दबाना है। देखिए जैसे ही F8 बटन दबाएंगे तो ये पूछेगा कि इस ट्रांजेक्शन को कैसे सॉल्व करना चाहते हैं, तो B2B में है ना, डाउन एरो से B2B ले लेंगे। अब इसमें पूछेगा कि लोकल एक इंटर स्टेट है तो गोरखपुर का है, लोकल को सेलेक्ट करेंगे। अब पूछ रहा है कि पार्टी नेम बताइए, किसको सेल किया जा रहा है, तो SS कंप्यूटर जो ऑलरेडी मैंने आपको बना रखा, इसको एक्सेप्ट करा दे, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए। चलिए अजीत सर, इसमें देखिए तो आइटम भरने के लिए नहीं दे रहा है, क्यों, क्या फीचर्स मिस्टेक हो चुका है? वो अभी एंटर करवा दे रहे हैं, यहाँ पे दे रहा सेल्स लेकर, यही तो पहले बार भी मैंने किया था ना। चलिए यहाँ पे दिखा तो रहा है बाउचर क्लास, नहीं यहाँ पे पूछना चाहिए। क्या पूछना, इसकी अरे भाई अरे सर, इसको रहती क्या करना पड़ेगा आपको? इसको दवाई एक्टिवेट समझ गया, एक्टिवेट हो गया फिर तभी इसको नॉट एक्टिवेट। करेंगे अभी आपके लिए ट्रांजिशन अल्टर करेंगे ना, दिखाएगा वहाँ पे आपको, ठीक है ना? कल आप दिखाएगा, यहाँ पे आपने शिफ्ट कर दिया है और यहाँ पे लेट से कर देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है बाउचर क्लास में, और यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में क्या हो जाएगा, SS कंप्यूटर, और फिर यहाँ पे एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि सेल्स का कौन सा ट्रांजेक्शन है, तो देखिए जैसे अगर जो है
अगर हम यहाँ पे लेना चाहते हैं तो यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं होगा, या जस्ट पार्टी के नेम से नीचे भी हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है, या वहां पे जाकर के आप नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। और यहाँ पे दिया हुआ सेल्स लोकल, तो इसमें सेल्स लोकल को ले लेंगे। अब इसमें नेम ऑफ आइटम में क्या दिया है, क्या दिया है, PG 18। लेकिन सबसे अच्छा रहेगा कि हमको ऑटोमेटिक GST लेना है ना, वहीं पे ले लेंगे, बाउचर टाइप वाले में ही ले ले रहे हैं, सबसे अच्छा रहेगा। यहीं पे F8 बटन दबाइए, इसको नॉट अप्लीकेबल नहीं करना, ऐसे ही रहने दीजिए। इसमें ले लीजिएगा सेल्स लोकल, अरे या तो यहाँ पे नीचे पूछे या यहाँ पे पूछे, दिया है ना ये सिंबल सेल्स लोकल का। अब देखिए इसमें पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम, तो चलिए इसमें हम नेम ऑफ आइटम भरते हैं। क्या दिया है, BG, ये दिया आइटम, इसमें लिखा हुआ आइटम का नाम देखिए PG 18 स्टैंडर्ड एडिशन, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे लोकेशन पूछ रहा है, तो लोकेशन इसमें दिया है, दिया नहीं दिया है तो इसमें हम भर लेंगे शॉप में। फिर एंटर करेंगे, क्वांटिटी क्या दिया है, 2 पीस दिया हुआ है, और 2 पीस यहाँ पे भरना पड़ेगा सबसे पहले। सेल हाँ में सेल में लोकेशन नहीं रहेगा, अभी आएगा आगे ट्रांजेक्शन लोकेशन आएगा, सब आगे ट्रांजेक्शन आएगा। अरे गुड्स को कहीं स्टोर करेंगे ना, तो बेचेंगे तो कहीं स्टोर ही तो करेंगे उसको। हाँ तो वही चीज, जब कस्टमर को बेचेंगे तो वो कहाँ लेके जाकर के स्टोर कर रहा है, वेयर हाउस में कर रहा है कि शॉप में कर रहा है, आगे ट्रांजेक्शन आएगा। इसमें इसमें लोकेशन नहीं दिया हुआ है, बात समझो आप लोग, इसमें लोकेशन नहीं दिया हुआ है, आगे की ट्रांजेक्शन में लोकेशन दिखाएगा। अब इसमें क्या लेना है, सबसे पहले 2 पीस है और 10,500 इसका रेट है, यहाँ पे भर लेना है क्वांटिटी में 2 पीस, और यहाँ पे ले लेना है 10,500। इसके बाद से सेकेंड आइटम क्या लिखा हुआ है, सेकेंड आइटम दिया हुआ है यहाँ पे हवाई P30, इसको भी भर लेते हैं, हवाई P30, P30 Pro है ना, और इसका कितना दिया हुआ है क्वांटिटी, इसकी क्वांटिटी यहाँ पे 1 पीस है, 12,500 रुपये इसका रेट है, क्वांटिटी में 1 पीस भर देंगे और फिर यहाँ पे 12,500 भर देंगे। इसके बाद से क्या लिखा हुआ है, iPhone 11 Pro, इसमें भर देना iPhone 11 Pro, इसमें भी लोकेशन में शॉप ले लेते हैं, एंटर करेंगे क्वांटिटी 2 पीस, रेट कितना दिया है, 28,500 रुपये। इसके बाद से क्या लिखा हुआ है, लेनवो K6 Note दिया हुआ है, इसमें भर लेना है लेनवो K6 Note, इसकी क्वांटिटी 3 पीस, रेट कितना दिया है, कितना है, 8,800। इसके बाद भी कोई आइटम है, MI सुपर बेस वायरलेस हेडफोन, एक प्रकार का हेडफोन है और MI कंपनी का, इसलिए यहाँ पे भर देंगे MI सुपर बेस हेडफोन्स, और यहाँ पे ले लेंगे लोकेशन में शॉप, इसकी क्वांटिटी 3 पीस, रेट 1,500 है। बस कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा लेंगे, नमस्ते, नहीं हाँ पढ़ा रहे, अभी बाद में बात करेंगे, हो जाएगा ट्रांजेक्शन। 10,926 क्या आया है, GST आया है, देखिए ट्रांजेक्शन में मैच भी कर रहा है आपका, 10,926 रुपया इसका GST दिया हुआ है। और इसको कैसे देखेंगे, गेटवे ऑफ टैली, और मैंने बहुत इजी तरीका मैंने आपको बताया था ट्रांजेक्शन को देखने के लिए, सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आ जाइएगा, और यहाँ पे बस 2 बार D बटन प्रेस करना है, और यहाँ पे आपको ले लेना है F4 बटन पे क्लिक करना है। अब इसमें कौन सा वाउचर का देखना है, सेल्स का, बस यहाँ पे आप टाइप कर लीजिएगा सेल्स वाउचर, और सेल्स B2B ही है, इसमें B2B का ही पूरा ट्रांजेक्शन दिखाएगा, यही आपका रिजल्ट है। प्रिंट करना चाहते हैं तो अल्ट के साथ P बटन दबाइए, और यहाँ से आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। इसकी प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो यहां से प्रीव्यू देख लीजिए, अल्ट के साथ P,
और यहां से ले लीजिए प्रीव्यू, प्रिंट कर दें। देखिए सब यहाँ पे डिटेल दिखा रहा है किसको सेल किया गया, सब बता रहा है यहाँ पे पूरा। कितना परसेंट जीएसटी लगा है ये बता तो रहा है, 10,926 लिया गया। दस हजार नौ सौ छब्बीस दिखा तो रहा है जीएसटी। इसका पूरा डिटेल देखना है तो पूरा डिटेल देखना है तो आप पहले ट्रांजेक्शन में एक बार चेक कर दीजिए। अच्छा बिल पे ही शो करके दिखाना है। अच्छा चलिए आगे की ट्रांजेक्शन में एक बार और ट्रांजेक्शन हम देखते हैं इसके बाद। अठारह परसेंट और 28% दोनों एक ही साथ, तो देखो अगर जिसमें 18% दिया उसमें 18% जीएसटी लगा दो और जिसमें 28 दिया उसमें 28 लगा दो। आइटम तो अलग अलग है ना, दोनों एक ही साथ करेंगे। वो भी ट्रांजेक्शन आगे आएगा, सब आगे आएगा ट्रांजेक्शन, 28% वाला भी आएगा, 18% वाला भी आएगा, मिक्स करके देगा उसमें पूरा ट्रांजेक्शन मिक्स करके देगा, और 12% वाला भी आएगा। जैसे प्रोजेक्टर है ना, प्रोजेक्टर पे कितना लगता है, प्रोजेक्टर 28% लगता है, वो आगे की ट्रांजेक्शन में देगा पूरा, 18 भी मिक्स करके देगा, 28 भी मिक्स करके देगा, आगे है पूरा। अब चलिए सेकेंड यहाँ पे ट्रांजेक्शन देखते हैं, सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या लिखा हुआ है। पहला ट्रांजेक्शन हो जाएगा ना, अब चलिए यहाँ पे सेकेंड ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका पूरा देखिए टैक्स डिटेल यहाँ पे चेक करने के लिए पूरा दिया हुआ है, यहाँ से हम जांच भी कर सकते हैं। टू वेरिफिकेशन आइटम वाइज सेंट्रल टैक्स ओपन टैक्स एनालिसिस स्क्रीन बाय प्रेसिंग और मोर डिटेल कंट्रोल प्लस आई और जीएसटी टैक्स एनालिसिस अल्ट प्लस F5 डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे अगर हमको डिटेल देखना है तो जैसे कितना किस पे जीएसटी लगा हुआ है, तो इसके लिए सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आ जाइए और यहाँ से आप आ जाइए, सबसे पहले दो बार डी बटन प्रेस करिए और यहाँ पे ले लीजिए F4 और इसमें ले लीजिए क्या सेल्स B2B, इसमें B2B को सिलेक्शन कर दीजिए, ठीक है, और इसको ओपन कर लीजिए। इसका पूरा डिटेल देखने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, टैक्स एनालिसिस के लिए क्या शॉर्टकट की लिखा हुआ है, मोर डिटेल्स के लिए कंट्रोल प्लस आई, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, अल्ट प्लस, इसमें कुछ गलत लिखा हुआ है बुक में, ये बुक में जो है जो डिटेल यहाँ पे देखने के लिए दिया हुआ है इसमें कुछ गलत लिखा हुआ है, इसकी पूरी डिटेल हम ऐसे नहीं जांच करेंगे, इसके लिए कोई शॉर्टकट की है। चलिए पहली ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करिएगा, यहाँ पे पूरा डिटेल में दिखा रहा है, ये कुछ गलत है, मिस्टेक है, इसको हम जांच करवाएंगे, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 सोल्ड वन पीस सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस, और एक प्रकार का क्या है ये स्मार्टफोन है ना, कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को एक पीस सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस बेचा गया, और किसके माध्यम से बेचा जा रहा है, कैश के माध्यम से बेचा जा रहा है, यानी कि ये कैश को सेल किया जा रहा है, और कितना रुपया, तो 22,000 रुपया, जिसका इनवॉइस नंबर B2C001 दिया हुआ है। जैसे मान के चलिए B2C क्यों दिया हुआ है, क्योंकि कैश से सेल किया जा रहा है, और जब कैश से सेल किया जाएगा तो उस केस में बिजनेस टू कंज्यूमर हो जाएगा, क्योंकि कैश दिया जा रहा है उसके बदले में प्रोडक्ट खरीदा जा रहा है, और बहुत ही सिंपल एंट्री है, जिस तरीके से आपने इसके पहले वाला बनाया है सेम उसी तरीके से हम इसको भी बनाएंगे। लेकिन कैसे बनाएंगे, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम चलते हैं
और यहां से हम बैक आते हैं और यहां पे आपको ले लेना है बाउचर और इसमें आपको प्रेस करना है F8 और इसमें ले लेना है क्या B2C बैक स्पेस दबा करके और इसमें सेल्स लोकर। अब किसको सेल किया जा रहा है तो कैश को, तो बस यहाँ पे आपको कैश टाइप कर लेना है। अब यहाँ पे पूछेगा नेम ऑफ आइटम तो आइटम का नाम क्या हो जाएगा, क्या सेल किया जा रहा है, सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस। यहाँ पे भर दीजिए सैमसंग गैलेक्सी, क्वांटिटी कितना दिया है 1 पीस दिया है और रेट दिया है 22,000 रुपये। क्वांटिटी में आपको भर देना है यहाँ पे 1 पीस और रेट में भर देना है 22,000 रुपये। मतलब 22,000 रुपया मैंने दे करके और सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस मैंने खरीदा और कैश से ही खरीदा, इसलिए पार्टी अकाउंट में मैंने क्या भर दिया, कैश भर दिया। बस यहाँ से एंटर करिए, देखिए 1980 का GST आया है, सही है। बस कंट्रोल ही दबा के इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे कुछ गलत दिया हुआ है, ये वाला ऑप्शन में कुछ गलत दिया है। इसमें सब दिखाया है डिटेल में लेकिन यहाँ पे कुछ गलत लिखा हुआ है, ये बहुत सारा मिसिंग है बुक में। एक बार लैब में देखो तो अनूप आए क्या जो लैब में रहते हैं, अनूप कहाँ पे, ये वाला क्या नहीं दिखा रहा। हाँ नहीं आया, ये कंट्रोल प्लस आई नहीं होना चाहिए, मोर डिटेल्स के लिए कुछ और ऑप्शन देना चाहिए इसमें। ये दोनों ट्रांजेक्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम, ये बस मोड चेक करना है, ये बस यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है इसी को बताना है, बाकी इसके पहले ये पूरा ट्रांजेक्शन आप लोग कर लीजिए। ये भी नहीं दिखा रहा है, B2C की है ना, B2C क्या चीज, 1980 GST दिखा तो रहा है इससे। हाँ वही ऑप्शन तो यहाँ पे समझना है, इसमें कुछ गलत दिया हुआ है, ये जो है रिपोर्ट चेक करने के लिए यहाँ पे कुछ गलत दिया हुआ है, ठीक है वही रिपोर्ट बता रहे हैं। अल्ट के साथ पी देखा है यहाँ पे, बताता है कि नहीं बताता, किसके
इसमें बता रहा है, देखिए इसमें सेंट्रल टैक्स बता रहा है 1980, स्टेट टैक्स इसमें 1980 बता रहा है, यही उसमें नहीं शो कर रहा था ना। बाकी इसमें टोटल डिटेल भी बता रहा है कि एक पीस खरीदा गया है। इसमें पूरा डिटेल भी यहाँ पे बता रहा है, देखिए। चलिए एक एक ट्रांजेक्शन और हम बता दे रहे हैं, ठीक है, एक ट्रांजेक्शन और हम बता दे रहे हैं इसी के आधार पे, इसी के आधार पे एक और हम ट्रांजेक्शन बता दे रहे हैं। और अपने मन से आप लोग ज्यादा ट्रांजेक्शन करना, ठीक है। जैसे मान के चलिए एके इंटरप्राइजेज को सेल किया जा रहा है डेल कंपनी का मॉनिटर, एके इंटरप्राइजेज को, ठीक डेल कंपनी का क्या खरीदा जा रहा है, इसको क्या बेचा जा रहा है, मॉनिटर बेचा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेल मॉनिटर को सेलेक्ट करेंगे, डेल 19 इंच एलईडी मॉनिटर यहाँ पे ले लेंगे। और यहाँ पे लोकेशन में हम ले लेते हैं 100, क्वांटिटी में ले लेते हैं एक पीस, और रेट में जैसे मान के चलिए कि 22,000 रुपये का ये बेचा जा रहा है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया आपका 1980, क्या चीज, वो टैक्स इंक्लूसिव वाला बताएंगे, वो आगे की क्लास में आएगा, वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस होता है। जैसे कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो ऑलरेडी पहले से उसमें जीएसटी लगा रहता है, उसमें जीएसटी फिलअप नहीं करना होता, वो ऑलरेडी उसमें लगा होता है। अजीत सर, इस बुक में यहाँ पे ये गलती दिया हुआ है ना, यहाँ पे, हाँ हाँ अल्ट प्लस है तब अल्ट प्लस है भाई। प्लस नहीं नहीं बता रहे, यहां से हम बैक आते हैं, और जैसे यहां से हम डिस्प्ले डे बुक पे आ गए, और यहां से हमें 4 ले लेते हैं, और यहां से ले लें सेल्स B2B। देखिए इसमें सेल्स B2B मैंने ले लिया यहां से, और यहीं से अल्ट के साथ ए, अल्ट प्लस ही काम कर रहा है, कंट्रोल प्लस आई काम नहीं कर रहा है, और फिर अल्ट प्लस रिपोर्ट करके कहां दे रहा है, नहीं दे रहा है। जरा के ना जरा यही सही है, अल्ट प्लस ए बटन यहाँ पे प्रेस करेंगे। देखिए देखने के लिए सबसे पहले अल्ट के साथ ए बटन आप लोग दबा देना, और फिर अल्ट के साथ F5 बटन आप लोग प्रेस कर देना, पूरा डिटेल आपको दिखा देगा आपने किस पे कितना जीएसटी लगाया, उसको बना लीजिएगा आप लोग कॉपी में, नहीं तो कंफ्यूजन करेगा। अल्ट के साथ ए बनाइए कंट्रोल प्लस आई काट करके, अल्ट प्लस ए बना लो आप लोग कॉपी में, यहाँ पे दिया हुआ है ना स्क्रीन, मोर डिटेल्स के लिए दिया हुआ है ना यहाँ पे, हाँ अल्ट प्लस आई होगा, सॉरी अल्ट प्लस ए होगा, और यहाँ पे अल्ट प्लस F5 होगा डिटेल देखने के लिए। यहाँ पे बना लीजिए अल्ट प्लस ए, और यहाँ पे अल्ट प्लस F5 रहने दीजिए। जैसे क्या है, जैसे सेल करते समय हमको जीएसटी देखना है कि किस पे कितना मैंने जीएसटी अप्लाई किया, तो इसकी पूरी डिटेल देखने के लिए मैं यहाँ से देख सकते हैं। इसके लिए अल्ट के साथ ए दबाएंगे, और उसके बाद से अल्ट प्लस F5 बटन दबाएंगे। ये बुक में बन गया सबका, अच्छा इसको बना लेना आप लोग, नहीं तो लैब में जाके परेशान हो जाओगे आप लोग, ये बुक में मिसिंग दिया हुआ है। जैसे देखिए कैसे करना मैं बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ तो मैंने डिटेल आपको दिखाई दिया, आप एक बार स्केप से बैक आ जाइएगा, बैक आ जाइएगा, सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना, और यहाँ पे आ जाना है सबसे पहले डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे, और यहाँ से ले लेना है डेबुक, और यहाँ दबाना है F4 बटन, और इसमें ले लेना है सेल्स B2B, और यहीं पे दबाना है अल्ट के साथ ए, अभी उतना पूरा डिटेल नहीं दिखा रहा, और फिर अल्ट के साथ दबाइए F5, देखिए पूरा बता दिए। जैसे ये ऑप्शन का प्रयोग हम तब करते हैं जब सेल करते वक्त ये जानना चाहते हैं कि किस प्रोडक्ट में मैंने कितना जीएसटी दिया, तो आसानी तरीके से आप यहाँ पे जांच कर सकते हैं, वही बस कंट्रोल आई दी दिया है, वही गलत कर दिया है, अल्ट प्लस ए आप लोग बना लेना उसको, अल्ट ए।
कंट्रोल आई को काट करके अल्ट ए, उसके बाद से अल्ट F5 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? तो इस तरीके से देखिए, जो भी आप प्रोडक्ट यहाँ पे सेल करेंगे उसका पूरा आप डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि मैंने किस पे कितना GST लगाया, पूरा डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए यहां तक कंप्लीट करिए, ठीक है।